जहां पे जीत अटल हो वहां पे हार के देख खिसक गया जो हाथ से उस इक्तदार को देख। बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से एहसासों को हम, मैं सियासत चलाऊंगा तो कारोबार को देख। यही प्रैक्टिस है चल रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखते आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर तो है आज आप लोग बड़े तैयार हुए हैं, तुसी भी बड़ी चादर ले, फसलां तो सीधा इधर ही आ गई। यार तो ये मुबारकबाद दे, मरते मरते बची है। क्यों? कपड़े तो के ट्रांसफार्मर ते पाते। लेकिन बड़ी अकलमंद है रुखमान सर, इसे इज्जत करते हैं। मैनू एक दिन आके कहंदी कैसे साहब, मैनू 20 साल बाद पता लगा है कि इंसान की पहचान दौलत ना नहीं आईडी कार्ड ना होंदी। रुखमान ना भतीजा रो रहा थे, उन्हें चुप कराने वास्ते गाना गाना शुरू करता। ते हमसाया ने इन्हू कहा कि बच्चा रोंदे बीबी तू चुप हो जा। बैंक च गार्ड लगना, सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड लगना। उन्होंने इंटरव्यू च पूछा कि आपको इंग्लिश आती है, कहिंदे क्यों जी डाकू अमरीका तो होने। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब राणा आरिफ इकबाल हरना। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं, एक्ट्रेस नवाल सईद। वेलकम टू द शो जी। आज तो दोनों मेहमान बिल्कुल फ्रेश हैं। हाय 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 फ्रेश। आज तो भाईजान भी एक्टर ही लग रहे हैं सर। अच्छा जी, वाह वाह, ऐसे लग रहा है अवार्ड पे आए हैं। हाँ, क्या बात। शहरे इकबाल के रहने वाले एमपीए पीएमएलएन के राणा आरिफ इकबाल आज हमारे मेहमान हैं। हाय हाय हाय। इनके साथ नवाल सईद हैं। हाँ। एक्ट्रेस और मॉडल जिनकी पलकों के नीचे दिन भर रहता है शामी काजल। मैं खाना नहीं चाहता मगर फिर भी हाथ सालन की तरफ जाता है। मियां साहब को देख के आंखें क्या दिल भी झुक जाता है। नून लीग वालों ने डिस्कवरी देखना शुरू कर दिया है कैसर, क्योंकि वहां शेर बार बार आता है। साहब क्या हाल चाल है? अरे वन अल्लाह, आप तो माहौल ही बदला हुआ है आज पूरा। खैर तो है, इंशाल्लाह बदल चुका है सारा माहौल। ये हुकूमत में आने के बाद की लुक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बदल गया सारा माहौल। तुसी इलेक्शन किवें जीत गया? ना ते ताड़ा हरना है। आपको पढ़ना नहीं आता, इसमें मेरा क्या कसूर है? हरना पिछली बार माहौल नहीं था, बदल गया इंशाअल्लाह। मोटरसाइकिल ते आज टाई इधर उधर हो। तुम ना जेलस ना हो, तुम अप्रिशिएट करो। और मुझे लगता है इसकी खास वजह यह है कि आपको पता था कि आज नवाल सईद आपके साथ आ रही है। आपने कभी देखा है नवाल का कोई काम? हाँ, मैंने इनके ड्रामे देखे हैं। अच्छा, आप ड्रामे ही देखते रहते हैं? देखता हूँ। ये तो मैं कोई सियासतदान हूँ, लेकिन इसका मतलब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम इसके अलावा कुछ करते ही नहीं हैं। ये बड़ा एक मसला है। नहीं, ये गलत बोलते हैं ना। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल इंसान है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो देखता हूँ ड्रामे। अच्छा, भी देखता हूँ, अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, मैं आउटिंग पे जाता हूँ, मैं सियासत भी करता हूँ। कितनी अच्छी बात है, कोई माना तो है, वरना हमें हमेशा ये लाइन मिली है कि जी आवाम से टाइम नहीं मिलता, आवाम से टाइम नहीं मिलता। टाइम निकलता है, अगर टाइम तो निकालना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन सियालकोट की आवाम आजकल माने नहीं ना रही। क्यों नहीं मान रही सर? नून लीग तुम्हें पता ही है। की पता ही है? सिस्टम खराब होया सिर्फ। अच्छा? 22 किलोमीटर तक रोप चलता है। ये तो बिल्कुल ही राणा साहब तो मुतनफिर ही हो गया। इस हफ्ते दो हफ्ते की बात है, ये भी ठीक हो जाए। नवाल जी क्या हाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक। इट्स वंडरफुल सीइंग यू गाइस। अच्छा, सो लॉन्ग। आज पता होता निवाल ने आना तो ये लाइटें जलाते ना इनके हुसन की रोशनी। हाय हाय। अच्छा, मैंने कहा शायद कहने लगे आज पता है निवाल ने आना तो मैं शायद कुछ और पहन कर आता। लेकिन आपने लाइटों पे बात डाल दी। नहीं, आज भाईजान की ड्रेसिंग आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, लग रहा है ऑस्कर अवार्ड लेने आए हैं। ओए होए होए। हां जी, क्या बात है। निवाल आपकी कभी मुलाकात हुई है इनसे? नहीं।
नहीं हुई हुई। और आप पहले भी गेस आप हमारे ही शो में पॉलिटिशियन से मिली होंगी जी, बिल्कुल। और फिर हमने ही आपको ये दोबारा फैज बख्शा है जी। है ना, तो जी। पिछले वाले ज्यादा अच्छे थे, ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, सच सच बताना है आपने। पॉजिटिव कमेंट्स दे देना सर, आप डेफिनेटली ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मान के कमेंट्स लिए ये देखे, पॉजिटिव कमेंट्स उन्होंने दिए। वो कराची से मेहमान आई हुई है, उन्होंने कहा कि आप ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन राणा साहब सच्ची मुची आज प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बैनर ते एडी अच्छी फोटो नहीं आंदी जिंदे एडे प्यारे लग रहे हैं। बैनर पे तो प्रिंटिंग होती है और बड़ी बड़ी प्राइस तस्वीरें भी लोग लगा देते हैं। मगर राणा साहब इस बार आपने ये इस वाले सूट में ये वाली लुक के साथ तस्वीर खिंचवानी है। ये मैं आपको बरादराना मशवरा दे रहा हूँ, एक मजाक के अलावा जो आपने आईडी कार्ड वाली तस्वीर लगाते हैं ना, वो नहीं लगानी आपने। ये इतनी जबरदस्त लुक के इस वक्त लग रही, मुझे तो बल्कि कोई टर्किश ड्रामे में कोई वो जो इस तरह के लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं बहुत, वो दिखाते हैं अरबपति होते हैं। वैसे राणा साहब कभी आपका टर्किश ड्रामा देखने का मौका मिला? पर कोई ड्रामा तो नहीं देखा, लेकिन वैसे छोटी मोटे वो वैसे टर्किश देखे। टर्किश में गया हूं, टर्की बहुत। तो आपने इस्तांबुल में आपको लगे नहीं अपने डिजाइन के कुछ लोग फिर रहे थे? हां बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको वैसे है ट्रैवलिंग का शौक? जी बहुत। अच्छा जी, कहाँ इस्तांबुल फिरे में? इस्तांबुल में 3-4 दफा गया हूँ। नवाल आपको भी इस्तांबुल बहुत पसंद है मुझे लगता है। जी जी, आई रियली लाइक इट। ये देखें अब आप कितनी पॉजिटिव बातें हो रही हैं। सर की आपको भी पसंद है? जी बिल्कुल। क्या वहाँ पे क्या पसंद आता है? मुझे लोग अच्छे लगते हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वो पसंद है। इस साल मैंने बोड्रम उनकी एक सिटी वो एक्सपीरियंस किया। जब भी जाएं तो बीतर और अदनान को मेरा सलाम। मैं खुद भी मिलना चाहती हूँ। अच्छा, खुद भी बीतर और अदनान से मिलना चाहती हूँ। मैंने कोशिश की थी कि मैं अर्तुरुल के एक्टर्स का कहीं शूट हो रहा था लास्ट ईयर। अच्छा। आई स्पोक टू पीपल आल्सो और मुझे टाइम भी मिल गया था, बट माय फ्रेंड हैड टू गो समवेयर, तो फिर मैं जा नहीं सकी। लेकिन मुझे बहुत रिग्रेट है उसका, क्योंकि मैंने पूरा वो सीजन देखा है, पूरे 5 seasons मैंने देखे हैं। तो आप जो सीजन देखती हैं फिर आपको दिल होता है कि मैंने उसी कास्ट से मिलना है? नहीं नहीं नहीं, आई लाइक दैट वन अ लॉट। शुक्र है फिर तुम मौला जट नहीं देख ली। बाद में कहना मैंने गंडासा देखना है, जाकर देखना भाई। वो कोई मौला जट के अंदर फवाद खान से मिलना चाहेंगी, कोई हमजा बासी से मिलना चाहेंगी, तुम गंडासे में फंसे हुए। मगर आपने देखी है मौला जट? जी जी। कैसी लगी आपको? वंडरफुल वंडरफुल, समथिंग वेरी न्यू टू वॉच, बहुत अच्छा लगा। सर आपने भी कोई मौका? आपने भी देख ली मौला जट? ओ जी, सर इज वेरी एंटरटेनमेंट से इंक्लाइन। हां बिल्कुल। तो कैसी लगी सर फिर? मैंने अपने बच्चों के साथ देखी। अच्छा, तो मजा आया फिर? बिल्कुल। उनकी भी आपने पुरानी वाली देखी हुई थी? पुरानी वाली भी मैंने देखी। बच्चों ने तो नहीं देखी होगी पुरानी वाली? वो तो यार उन्होंने नहीं देखी, लेकिन मैंने दोनों देखी। अच्छा, तो कैसी लगी आपको फिर? इन्होंने बिल्कुल चेंज किया उसको, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई उससे बुरी थी या उससे अच्छी थी, एक डिफरेंट चीज। अच्छा सर, आपको पाकिस्तानी सियासत का मौला जट कौन लगता है? सियासत में तो जो फारिग हुआ है 26 को वही लगता है मुझे तो। अच्छा जी, तो इमरान खान साहब मौला जट लगते हैं, वही वाली तकरीबन मिलती जुलती हैं। मगर फिर राणा साहब को ये भी याद होगा कि मौले ने मौला ना मारे थे, मौला नहीं मरता। ओह नो, मौले ने मौला ना मारे तो नहीं मरता, जे बंदा अपने आप नु आप ही मारना शुरू कर दे तो कौन बचा सकता? मौला उदो ही मरेगा जो नूरी यूके तो आएगा। हाँ जी सर, ये देखे कैसी बातें कर रहे हैं। नूरी ने तो यूके बैठ के भी इलाज कर दिया है। उन्होंने अपना हो नहीं रहा, इमरान खान इतनी करता है अपना भी हो गया। अपना भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे। नवाल आप ये बताएं, आपको कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट वगैरह होता है? मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकली लिटरेट नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आई डू स्टैंड विद पीटीआई। ठीक है। हाँ, मुझे लगता है इज एन ऑनेस्ट मैन इमरान खान एंड ही इज ट्रू टू द नेशन। या ऑफ कोर्स, तो मुझे पीटीआई के साथ में स्टैंड करना। पीटीआई का पहला वोट भी पीटीआई को था। ओए होए होए, पहला ये उनको दे देना फिर मेरे वाली। देखो इंज दे कम पहनन उन्हें कही दे मैं हैगा ना। आ जेड़े लंदन दे फ्लैट ओदे पेपर ने जी। बेचारी ने कराची वापस जाना है, वो कहां ये करेंगी? जो यहां पे है उनको आपने जिम्मेदारियां दे ना सारी की सारी। लेकिन राणा साहब जेते थे पक्के, उन्होंने वापस नहीं लेनी होनी। नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे पता है। और राणा ही की जड़ा वापस ले ले।
मैंने इसलिए आपको दी है कि मुझे भी ये गिफ्ट मिली थी। अच्छा गिफ्ट है, चले बस फिर तो बात सेटल हुई हुई है। गिफ्ट तो फिर आपको पता है हम क्या करते हैं। बेच ना देना प्लीज। नहीं अब ये तो देखे मेरी मर्जी ना। आपकी मर्जी कैसे? चले ये गिफ्ट है राणा साहब की तरफ से ही, हमें दिया है और मैं नहीं बेचूंगा इसको। ठीक है नवाज, आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, आपके बहाने हमें घड़ी तो मिली कहीं से। आप प्लीज आप ना राणा साहब से हमें यही काम था बस, हमने बेस्ट चीज करवा ली है। आप एक काम करें कि आप प्लीज हर हफ्ते ना एक बार आ जाए मैं उस दिन एक नूनली का मेहमान बुलाऊंगा साथ तो उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छी अच्छी चीजें वो पहन कर आएंगे। अब तक तो घड़ी पहन के ही सिर्फ आएंगे, वो दे दिया करेंगे आपको। उसकी बात है आप लोगों की घड़ियां बड़ी अच्छी अच्छी है। उन्होंने तो घड़ी की लोड़ सी, मेरे को कोड नहीं है। पहले इनकार बहुत करता है, फिर वो गुफ्तार बहुत करता है, वो बिना इल्म ही सियासत पर बहसो तकरार बहुत करता है, माली हालत बताने लग जाए तो वो बेजार बहुत करता है। हाय हाय आ